anger in my heart. हृदय की वेदना और भूख के कारण I left the house. मैं वो घर छोड़ दिया. I ended up on the street. और सड़क पर आ गया. I used to eat from the gutters. मैं कूड़ेदान में से उठाकर खाया करता था. Pick up food from the floor. सड़क के किनारे फेंका हुआ खाना उठाकर खाता था. Somebody that doesn't leave food behind, I will go hungry the whole night. अगर कोई सड़कों में इस तरह से खाना नहीं फेंकता तो पूरी रात भर मैं भूखा रहता. I used to help people with their luggage. मैं लोगों की सहायता करता उनकी सामान उठाने में. Then they will give me something. उसके बाद वे कुछ ना कुछ मुझे देते. On the streets, if you have money, the strong boys will beat you and take it. So at times when I work, I don't take money. When I help people, I don't take money. घर कोई मुझे पैसा देता तो मैं पैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरे हाथ पैसे होते तो मुझसे बड़े लड़के उसे छीन कर मुझसे ले लेते थे और वो मुझे मारते पीटते थे, इसलिए मैं पैसे लेने से डरता था. Oh God, after today, when it rains, when it's raining, my heart. When it rains, my heart is broken. Because when it rains, Pastor, we have nowhere to sleep because we used to sleep in the cardboards. Cardboards, you know, this empty package. Empty, how do you call it? हम जो कार्टून का बक्सा कहते हैं ना, वही है. So when it rains, everything melts. Up to today, when I hear the sound of the rain, I begin to pray. I say, God, please touch the children on the streets. मैं तो कार्टून का बक्सा को खोलकर उसे गद्दा बनाकर उसमें सोता था. सोने के लिए कभी कभी जगह भी नहीं मिलती थी. बारिश से हम बहुत डरते थे क्योंकि मैं भीग जाता था, मेरा कागज का बिस्तर भी भीग जाता और किसी काम का नहीं रहता. इसलिए आज भी जब कभी बारिश होती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि रास्ते में रहने वाले बच्चों की क्या हालत होगी. पवित्र आत्मा इस प्रकार से कह रहा है. He wants me to share with you my testimony. वो चाहता है कि मैं अपने जीवन की गवाही आपसे बांटूं. My life testimony. मेरे जीवन की गवाही. I've learned to obey God. मैंने परमेश्वर की आज्ञाकारी होना सीखा है. He speaks to me, I have to do it. परमेश्वर ने मुझे ऐसा करना सिखाया है. Special faith to some of you watching by television. खास करके वे लोग जो कि टेलीविजन के द्वारा देख रहे हैं. Faith is being given right now. विश्वास अभी दिया गया है. Grace is coming upon your life. अनुग्रह आपके जीवन में हो रहा है. And you're going to rise up from your personal needs. आप अपने जरूरतमंद चीजों को लेकर खड़े हो जाएं. Saints of God. परमेश्वर के भक्तों. Brother, my sister. मेरे भाई बहनों. Today. आज God has given you life. परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है. Who woke you up this morning? किसने आपको नींद से उठाया है? You would have been dead by now. शायद आप मर गए होते. But you woke up to see a new day. लेकिन आप एक नए दिन को देख पाए. You don't pay taxes for the sun. सूर्य को आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं. You don't pay taxes for the air you breathe. जो सांस हम लेते हैं उस हवा को हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं. Many are at the hospitals today. बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटल में हैं. No hands, no legs. किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं. Wish they have your eyes. वे चाहते हैं कि उनकी आंख हो. They have your ears. चाहते हैं कि उनके कान हो. Wish they have your legs. चाहते हैं कि उनके पैर हो. But look at you. पर अपने आप को देखो. You have hands, you have legs. आपके हाथ और पैर हैं. Eyes and ears. आपके आंख और कान हैं. You have a job. आपको नौकरी है. You have water to drink. आपके पास पीने के लिए पानी है. Clothes on your body. पहनने के लिए कपड़े हैं. You have friends, a family. दोस्त हैं, परिवार हैं. Children, husband, wife. बच्चे हैं, पति है, पत्नी है. कलीसिया है. The Bible. वचन है. You have Jesus. प्रभु यीशु मसीह है. You have salvation. आपके लिए उद्धार है. The name is written in the book of life. आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है. The Jews know you by name. स्वर्ग के दूत आपको आपके नाम से जानते हैं. Power of the Holy Spirit is upon you. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर है. Demons are afraid of you. दुष्ट आत्माएं आपसे डरती है. You have more. आपके पास अधिक है. You'll be grateful for. परमेश्वर को देने के लिए. Because God will only give to you when he knows it's going to come out of you and touch the lives of people. क्योंकि परमेश्वर आपको तभी देगा जब वो इस बात को जानता है कि वो आप में से बाहर निकलेंगी और मनुष्य के जीवन को छुएगा. Amen. The little you have, थोड़ा आपके पास है तो would never increase. वो कभी भी नहीं बढ़ेगा. Until you give it up. मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ कि आप दे दो. Nation that gives. एक देश जो कि देता है would never lack. उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी. Amen. A person that gives. एक व्यक्ति जो कि देता है would never lack. उन्हें कमी नहीं होगी. A family that gives. एक परिवार जो देता है never lack. उन्हें कमी नहीं होगी. Hallelujah. Today, आज के दिन, the demon of stinginess, कंजूसी का आत्मा, that has kept you bound in poverty, आपको गरीबी में बांध के रखा है, kept you bound in poverty, आपको गरीबी में बांध के रखा है, will be broken over your life, आपके जीवन के ऊपर से हट जाएगी. Amen. Hallelujah. My mother was a prostitute. मेरी माता एक वेश्या थी. She's a twin. और वे जुड़वे थी. They're twins. जुड़वे.
Two twins. हाँ, जुड़वे. You see me up there? क्या आप मुझे देख सकते हैं? My mother was a twin. मेरी माता जुड़वा थी. My mother and her sister. मेरी माँ और उसकी बहन. My mother and her sister had nine brothers. मेरी माँ और उसकी बहन के नौ भाई थे. Nine brothers. नौ भाई. Five of them were medical doctors. पांच लोग अमेरिका में डॉक्टर थे. Four of them were engineers. और चार जो थे वो इंजीनियर थे. Within one year. एक साल के अंदर. One year. एक साल के अंदर. All the nine died. सभी नौ के नौ भाई मर गए. All the nine died. नौ भाई मर गए. The five doctors died in a day. एक दिन में ही मेरे माँ के पांच भाई मर गए. It was the 25th of December. और ये दिसंबर 25 तारीख की बात है. Gathered together. वे सारे इकट्ठे हुए. And drunk. खा पी कर सो गए. None of them woke up. उनमें से कोई नहीं उठा. Five doctors died. पांच डॉक्टर एक दिन में ही मर गए. Grandmother buried them in a day. और उसी दिन मेरी दादी माँ भी मर गई. Within the course of the year, उसी एक साल के अंदर four also died. बाकी चार भाई भी मर गए. So now, nine dead. और अभी पूरे नौ लोग मर गए. Left with my mother. मेरी माँ बच गई. And her sister. और उसकी बहन. When I was pregnant, when my mother was carrying me in her womb. और जब मैं अपनी माता के गर्भ में था. My auntie, that's my mother's twin sister, was also pregnant. मेरी माता की बहन भी उसी समय गर्भवती की अवस्था में थी. When I was born, और जब मैं पैदा हुआ. My auntie also gave birth. मेरी मौसी को भी एक बच्चा पैदा हुआ. And I was not well. और उस समय मैं स्वस्थ नहीं था. So my auntie, I was not well, so my auntie carried me and was running to find a taxi to take me to a hospital. उस समय एक टैक्सी लेकर मेरी मौसी मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही थी. My auntie fell. और मेरी मौसी गिर गई. And miscarriage. और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया. Lost her womb. और उनका गर्भपात हो गया. And lost her baby too. उनका बच्चा भी मर गया. The baby was also holding, she was holding two babies. वो दो बच्चों को पकड़ कर जाने लगी. Her baby fell and died. उनका बच्चा गिर गया. And she also fell and lost her womb. वो नीचे गिर गई और उनका गर्भपात हो गया. So now, अभी I am the only child. मैं सिर्फ एक बच्चा. Only child in the whole family. पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही एक. All of them are dead. सब के सब मर गए. Uncles, cousins, uncles. अभी मेरे चाचा, मसेरे भाई सभी मर गए. Left with me. सभी मर गए. My mother, मेरी माँ, as a prostitute, एक वेश्या होने कारण. When she was pregnant, मेरी माँ जब गर्भवती अवस्था में थी. She said, I don't like this baby. उन्होंने कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए. This baby doesn't allow me to work and get money. ये बच्चा मुझे व्यभिचार करके पैसा कमाने के लिए नहीं देगा, इसलिए मैं इसे खत्म कर दूंगी. I'm a prostitute, I must work to make money. मैं एक वेश्या हूँ और मुझे वेश्या गमन करके पैसा कमाना ही है. So she tried to abort me. और उन्होंने मुझे गिराने का फैसला किया. She went to the hospital. वो हॉस्पिटल में गई. She tried six times. उन्होंने छह बार कोशिश की. And I will not come out. लेकिन मैं बाहर नहीं आया. She was taking herbs. उन्होंने कई प्रकार की दवाइयां ली. But I was not coming out. मैं बाहर नहीं आया. But on the seventh time, और सातवीं बार she went to the hospital. वो हॉस्पिटल गई. She met a doctor. वो एक डॉक्टर को मिली. From Germany called Bernard. जो कि जर्मन के थे, बेनार्ड. Said, doctor, I want to kill this baby. उसने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए. Doctor, look at my mother. डॉक्टर ने देखा. Said, don't kill this baby. उसने कहा बच्चे को मत मारो. Prepare to this baby. बच्चे को होने दो. I will take care of him for the rest of his life. मैं खुद इस बच्चे की परवरिश करूंगा जीवन भर. Hallelujah. Amen. I was born the seventh month. और सातवें महीने में ही मेरा जन्म हुआ. Premature baby, no breath. पूरी तरह से परिपक्व नहीं था. I was not breathing. सांस नहीं ले रहा था. The nurse said I'm dead. नर्स ने कहा कि मैं मर गया हूँ. He about to throw me into the trash can. और वे मुझे कूड़ेदान में फेंकने वाले थे. Right there, Dr. Bernard opened the door. उसी समय डॉक्टर बेनार्ड अंदर आए. It was not his day on duty. वो दिन उसका ड्यूटी का दिन नहीं था. God brought him. परमेश्वर ने उसको वहाँ पर लेकर आया. He saw them putting me in the tray. उन्होंने देखा कि मुझे डस्टबिन में डाल रहे हैं. No. उसने कहा नहीं. Give me that baby. बच्चे को मुझे दो. Took me. मुझे लिया. Put me in the incubator. उन्होंने मुझे इंक्यूबेटर में रख दिया जो गर्म देने वाला मशीन है. Then he sat down. और वो वहाँ बैठ गए. And watch me. और मुझे देखने लगे. Exactly. Through the whole day. ठीक पूरे दिन. I was not breathing. मैं सांस नहीं ले रहा था. But then at exactly 1 minute past 12. ठीक 12:01 के बाद. And my birthday is the 12th of January. जनवरी 12 तारीख मेरा जन्मदिन है. 1:12. ठीक 12:01 के बाद. I started breathing. मैंने सांस लेना शुरू किया. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dr. Bernard said, I told you. Dr. Bernard ने कहा, मैंने कहा था. Nurses, I told you it's not dead. कि बच्चा नहीं मरा है. 7 days after I was born. मेरे जन्म के 7 दिन बाद. Dr. Bernard was coming to work one morning. Dr. Bernard सुबह के वक्त ड्यूटी के लिए आ रहे थे. He had a car accident. उनकी कार दुर्घटना हो गई. Right around the hospital. बिल्कुल उसी अस्पताल के सामने. And he died. और वो मर गए. My mother
mother's world was shattered. Oh, मेरी माँ की सारी उम्मीदें टूट गई. Dr. Bernard's wife told my mother. डॉक्टर बेनार्ड की पत्नी ने मेरी माँ से कहा. She said, I didn't hear my husband give a promise to take care of you. Oh, मैंने कभी इस प्रकार से नहीं सुना कि मेरे पति ने आपको किसी प्रकार का वायदा किया हो. So I grew up seeing my mother still as a prostitute. इसलिए मेरी माँ मेरे बचपन से ही वेश्यागमन करती थी जिससे हमारा गुजारा चलता था. We used to sleep on the streets. हम सड़कों में अक्सर सोया करते थे. And men would come and give them money. And have sex with her. लोग मेरी माँ को पैसा देकर उनके साथ वे विचार करते थे. And at times they would beat her. और उनको मारते भी थे. At times they would say all kinds of foolish things. और कई प्रकार की गंदी गालियाँ देते थे. Bad things. गंदी बातें. I was a little boy. उस समय मैं बिल्कुल छोटा था. There was such pain in my heart. मेरे हृदय में बहुत वेदना थी. I used to cry. मैं रोता था. One day, एक दिन my mother held my hand. मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़ा. Said, come. और कहा चल. We walked through the street. हम सड़क पर चलने लगे. Somebody's house. किसी के घर में. My mother asked the person. मेरी माँ ने उस आदमी से कहा. I want to be a maid. मैं आपके घर में काम करूंगी. That was one of the army commanders in Ghana. वो आदमी गाना राज्य के आर्मी कमांडर थे. The man said, come in. उसने कहा अंदर आओ. He gave us the garage. उन्होंने रहने के लिए गैरेज दी. We used to sleep in the garage with the dog. हम गैरेज में कुत्तों के साथ सोते थे. The food that were given to the dogs were better than ours. जो भोजन कुत्तों को दी जाती थी वो हमसे बेहतर थी. This man would put food on the plate for dogs, but put ours on the soil. वे लोग प्लेट में कुत्तों को भोजन देते थे लेकिन हमें on the floor. मिट्टी में दिया करते थे. And we will eat. और हम खाते थे the dog's food. कुत्तों को दी जाने वाली खाना. प्रभु. At night. प्रति रात. This man will leave his wife upstairs and come downstairs to have sex with my mom. ये आदमी अपना बीबी को छोड़कर नीचे गैरेज में आकर मेरी माँ के साथ व्यभिचार करता था. And then beat her up. मेरी माँ को मारता था. Said, never tell anybody. किसी को ये बात मत बोलना. As a little boy, I used to stay in the corner. I used to stay in the corner, and I look at everything happening, and my heart was broken. एक छोटा लड़का होने के कारण मैं किसी कोने में बैठ जाता और ये सब को देख करके मेरा हृदय टूट जाता था और बहुत रोता था. One day, एक दिन, the man came and said, "I cannot take care of two people." उस आदमी ने आकर कहा कि मैं दो लोगों की परवरिश नहीं कर सकता. Either your child go or you stay or your child goes. तुम यहीं रहो, तुम्हारे बच्चे को यहाँ से जाने दो, या तो तुम्हारे बच्चा यहाँ रहे, तुम यहाँ से जाओ. As a little boy, एक छोटे लड़के के कारण, there was such pain and anger in my heart. हृदय की वेदना और भूख के कारण, I left the house. मैं वो घर छोड़ दिया. I ended up on the street. और सड़क पर आ गया. I used to eat from the gutters. मैं कूड़ेदान में से उठाकर खाया करता था. Pick up food from the floor. सड़क के किनारे फेंका हुआ खाना उठाकर खाता था. Somebody that doesn't leave food behind, I will go hungry the whole night. अगर कोई सड़कों में इस तरह से खाना नहीं फेंकता तो पूरी रात भर मैं भूखा रहता. I used to help people with their luggage. मैं लोगों की सहायता करता उनकी सामान उठाने में. Then they will give me something. उसके बाद वे कुछ ना कुछ मुझे देते. On the streets, if you have money, the strong boys will beat you and take it. So at times when I work, I don't take money. When I help people, I don't take money. घर कोई मुझे पैसा देता तो मैं पैसा नहीं लेता क्योंकि मेरे हाथ पैसे होते तो मुझसे बड़े लड़के उसे छीन कर मुझसे ले लेते थे और वो मुझे मारते पीटते थे इसलिए मैं पैसे लेने से डरता था. Oh God, up to today when it rains, when it's raining, a heart. When it rains, my heart is broken. Because when it rains, Pastor, we have nowhere to sleep because we used to sleep in the cardboards. Cardboards, you know, this empty package. Empty, how do you call it? हम जो कार्टून का बक्सा कहते हैं ना वही है. So when it rains, everything melts. Up to today, when I hear the sound of the rain, I begin to pray. I say, God, please touch the children on the streets. मैं तो कार्टून का बक्सा को खोलकर उसे गद्दा बनाकर उसमें सोता था. सोने के लिए कभी कभी जगह भी नहीं मिलती थी. बारिश से हम बहुत डरते थे क्योंकि मैं भीग जाता था. मेरा कागज का बिस्तर भी भीग जाता और किसी काम का नहीं रहता. इसलिए आज भी जब कभी बारिश होती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि रास्ते में रहने वाले बच्चों की क्या हालत होगी. एक दिन आई हेल्प्ड अ वुमन. मैंने एक महिला की मदद की. उनके हाथ में जो बैग थे उन्हें उठाने में मदद की. And the woman looked at me. उस महिला ने मेरी ओर देखा. And I had a dream. मैंने एक स्वप्न देखा है. I saw a little boy like you in my dream. मैंने एक छोटे से लड़के को बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वप्न में देखा. She said, I will help you. मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ. She held my hand and took me home. मेरा हाथ पकड़कर वो अपने घर लेके गई. She gave me her garage. रहने के लिए मुझे गैराज दी गई. I used to sleep in the garage. मैं गैराज में सोया करता. Clean the house and cut the grass, do all the work. घर का हर काम, घर सफाई करना, पोछा लगाना, घास काटना, ये सब काम मैं किया करता था. Give me food to eat. तब मुझे खाना देते. 17 months after. 17 महीने के बाद. She went to town. On her way, she had a car accident and died.
जो महिला मुझे लेकर गई थी वो एक दिन कार लेकर शहर गई, वो भी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। My whole world was broken. मेरे जीने की मेरी सारी उम्मीदें फिर से टूट गई। मैंने कहा मुझे क्यों इतनी कष्ट होती है। मैं फिर से दोबारा सड़क पर आ गया, कूड़ेदान में से और नीचे गिरे हुए भोजन को उठाकर खाता। Then I met another man. तभी एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई, उनकी सहायता की, carry his bag to his car. उनकी बैग्स उठाकर कार में रख दिए। His wife said, go away. उसकी पत्नी ने मुझसे कहा दूर जा, but the man said, no. लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं, इधर आ, come. इधर आ, come in the car. गाड़ी के अंदर आ। I remember I was so afraid. So afraid. मैं बहुत डर गया। I entered the car. डरते हुए गाड़ी के अंदर गया। Sat down. बैठ गया। Looking around the car. गाड़ी के चारों ओर देखने लगा। The man took me home. उस आदमी ने मुझे घर ले गया। He gave me a garage. फिर से मुझे रहने के लिए गैराज दी गई। I used to sleep with a dog called Sharp. उस गैराज में शार्प नाम का एक कुत्ता था जिसके साथ मैं रहता था। The food given to the dogs was better than mine. जो भोजन कुत्ता को दी जाती थी वो मुझसे बहुत बढ़िया थी। I used to wish the dog would never die. मेरे हृदय से इच्छा और उम्मीद यही थी कि ये कुत्ता कभी ना मरे, अगर मर जाए तो मेरा खाना भी बंद हो जाता। Because when they give the dog food, जो कुत्ता nice जो कुत्ते को भोजन देते थे वही भोजन मुझे भी दिया करते। This man had four boys in the house. इस आदमी के चार लड़के थे उनके घर में। I used to clean the house, clean the car. I used to wash their clothes and do every work in the house. मैं उनके घर का हर काम किया करता था, जैसे कि घर पोछा मारना, कार को धोना, सारी काम। And in the evening, और शाम के समय, the boys had a special teacher. A special teacher that would come to the house to teach them. उस आदमी के लड़कों के लिए एक ट्यूशन टीचर का आयोजन किया गया था। The study room was close to the garage. और जिस कमरे में वो पढ़ते थे वो बिल्कुल गैरेज के पास में ही थी। And there was a hole through the door. गैरेज के सामने के कमरे के दरवाजा में एक छेद था। And I would look through that hole. और उस छेद में से मैं झांकता था। And watch them study. और उनको पढ़ते हुए देखता। That is how I learned how to read and write. और इसी प्रकार से मैंने पढ़ना लिखना सीखा। S-O-S-O-T-O-2, I'll be listening. S-O-S-O-D-O-D-O, इस प्रकार से मैंने सीखा। One day the man caught me. एक दिन उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। He said, you're supposed to sleep and wake up and do the work in the house. तुम्हें तो सोना चाहिए था और सुबह उठ के तुम्हें काम करना है। Do you even know what they are being taught? तुम्हें क्या मालूम है कि वे लोग क्या सीख रहे हैं? They were teaching them tenses. So he said, what is the past tense of go? क्योंकि शिक्षक उन्हें टेंस के बारे में सिखा रहा था, उसने मुझे पूछा कि गो का पास्ट टेंस क्या है? I said, gone. और मैंने कहा गॉन। He looked at me. उन्होंने मेरी ओर देखा। He said, join them. तुम भी जाकर मेरे बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ना सीखो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तुम भी जाकर बैठो। So every day I'll clean the house, I'll do all the work. हर दिन मैं घर की सफाई करूंगा, सब काम करूंगा। In the evening I'll go and sit down with them. शाम के समय मैं जाकर उनके साथ पढ़ने लगूंगा। And I'll be listening, I'll be learning. और सुन सुन कर पढ़ने लगा। When the boys go to school, जब लड़के स्कूल जाते, I'll go and pick up their notebooks. मैं उनका नोटबुक को उठाकर, And I'll start reading and studying. मैं पढ़ना लिखना शुरू किया। The boys loved me. लड़के मुझसे प्रेम करते थे। They used to give me money. और कभी कभी कुछ पैसे देते। When they give me the money, जब कभी वो मुझे पैसे देते, I'll go and dig the floor, जमीन, put the money there. Go and dig the soil and put the money there. खोद कर पैसे को मैं जमीन में गाड़ देता था। I study. मैं पढ़ा। In the house. उनके घर में। They didn't know. वे इस बात को नहीं जानते। One day I went out. एक दिन मैं बाहर गया। I saw a teacher. एक शिक्षक से मिला। In our area. हमारे उस क्षेत्र में शिक्षक ने मेरी ओर देखा। He said, I've heard that you are studying. मैंने सुना कि तुम पढ़ रहे हो। They are sitting, they are registering for the common entrance examination. An examination you write that takes you to the high school. अभी रजिस्टर करने का टाइम है, यदि तुम चाहते हो तो हम तुम्हारा नाम रजिस्टर कर सकते हैं। यदि तुम एग्जाम लेकर पास हो गए तो हाई स्कूल जा सकते हो। He said, if you have money, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, I will register you. मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर करूंगा। Then you write. तुम परीक्षा लिख सकते हो। So I went to my bank. You know the floor. जमीन पर मैंने जो पैसा रखा था, जमीन खोद कर जितना पैसा था सभी निकाल कर शिक्षक को दे दिया। I was not stingy. मैं कंजूसी बिल्कुल नहीं किया। Some of you are so stingy. You will not even use money. आप लोग में से to help you yourself. कुछ लोग बहुत कंजूस हैं, वो अपने काम के लिए भी पैसा खर्च नहीं करते, ना ही किसी को देते। You're keeping your money in the bank and you're going to die and leave it behind. पूरा पैसा बैंक में रहते और उनमें से कुछ भी खर्चा नहीं करते, चाहे मौत ही आ जाए। I took all the money and gave it to him. मैंने सारे पैसे निकाल कर उस टीचर को दे दिए। He registered me. और उन्होंने मुझे रजिस्टर किया। I wrote the exams. और सारी परीक्षाएं लिखी। And passed with distinction. Hallelujah. Never been to school.
कभी स्कूल नहीं गया वो आदमी, कभी भी क्लासरूम नहीं देखा हुआ आदमी हूँ मैं, और फर्स्ट क्लास से भी अधिक मार्क लेकर पास हो गया। यीशु को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, मालूम करना भी नहीं चाहता, उस परमेश्वर से नफरत है। God is there, why am I suffering this? अगर परमेश्वर है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों? I hated anything that smells like God. परमेश्वर के बारे में कोई भी बोले तो मुझे नफरत था। There was such bitterness in my... परमेश्वर के विरुद्ध एक कड़वाहट थी। My first choice, I got it. मेरा पहला इच्छा जो पूरा हो गया। I went to the school. मैं स्कूल गया। Nobody knew in the house. घर में किसी को इस बात की जानकारी नहीं। I had two shirts and two shorts. सिर्फ दो शर्ट और दो हाफ पैंट थी, जूते नहीं थे, जूते के बारे में जानकारी नहीं। Shoes on. मेरे पाँव में बिल्कुल जूते नहीं थे। Didn't have any shoes. किसी ने मुझे खरीद के नहीं दिया था। I wore my first shoe when I was 15 years old. 15 साल की उम्र में मैंने पहली जूते पहने। Every year, 15th of February, I celebrated. हर साल फरवरी महीना 15 तारीख को मैं आनंद मनाता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार जूता पहनने के लिए मौका मिला। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे जूते नहीं थे। Came to the college. बिन जूते के ही मैं कॉलेज जाने लगा। A plastic bag with one of the shirts and the shorts in it. That's all I had. सिर्फ प्लास्टिक का एक बैग जिसमें मेरे शर्ट और पैंट थे। No pen, no book, nothing. पेन भी नहीं थे, किताब भी नहीं थे, कुछ नहीं, बिल्कुल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं थे। I still have schoolmates who laugh at me, who meets me around the world today, and they cry. Some of them collapse when I tell them it's me. मगर आज मेरे कॉलेज के दोस्त जब मुझे देखते हैं, तब उन्हें विश्वास नहीं होता है जब मैं उन्हें कहता हूँ कि वो लड़का मैं हूँ। They used to laugh at me. वे मुझे देखकर मेरे ऊपर हंसते थे। So look at you, poor boy. अपने आप को देखो, ए गरीब लड़के, you have nothing. तू बिल्कुल बेकार है। I'll go to the classroom. मैं जब भी क्लासरूम में जाता, they will push their chairs and tables away from me. मेरे साथ पढ़ने वाले लोग जिस पर मैं बैठता था वह कुर्सी और टेबल छीन कर ले जाते थे और मुझे बैठने भी नहीं देते थे। Because I stink on my body. I have no soap to bath with. क्योंकि मेरे शरीर से दुर्गंध होती थी, मेरे पास कोई साबुन नहीं थी जिससे मैं नहाऊं। Normally I wait when they take their bath in the main shower. I'll go and pick the little pieces of soap they've left behind, squeeze it together, and that would take me for a हॉस्टल के लोग जब स्नान कर चले जाते, साबुन की छोटे छोटे टुकड़ियां जब पड़ी रहती है उनको मैं उठाकर जमा करता और उनको जमा करके मैं उसी से स्नान किया करता था। I had no books to write in. मेरे पास लिखने के लिए किताब नहीं थी। I used to steal sheets from the notebooks of my classmates and then I'll be able to write a note. मेरे साथ पढ़ने वाले लड़कों के नोटबुक्स में से कुछ पन्नों को चुरा कर उसमें लिखा करता था, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं थी। When school vacate, I have nowhere to go. स्कूल छुट्टी होने के समय मुझे कहीं जाने का कोई जगह नहीं। You see people's mothers and fathers coming for them, hugging them, putting them in the car, holding their trunk, their boxes. I'll be standing there with tears in my eyes. I have... छुट्टियों के समय बाकी बच्चों के माता पिता आकर उनको गले से लगाते, उनके सामानों को उठाते, इन सबको देखकर मैं रोता था। मुझे लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। Some of you are in this building this morning. क्या आप लोग मेरी तरह परिस्थिति में पड़े हैं? You say, Bernard, nobody cares for me. आप कह सकते हैं, बेनार्ड, कोई मेरी परवाह नहीं करता है। I am nothing. मैं कुछ नहीं। I have no food. I have nothing. मेरे पास खाना नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसा मत सोचे। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको कोई प्रेम नहीं करता तो भी प्रभु यीशु है आपके लिए। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया। It's not over yet. अभी समाप्त नहीं हुआ है। God is working out something for you. परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। There is hope. एक उम्मीद है और वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। My head teacher used to tell me to live in his house till school reopened. मेरे प्रधान अध्यापक ने मुझसे कहा कि स्कूल जब तक नहीं खुलेगा तब तक तुम मेरे घर में रहो। His wife used to sell some food, so he would give me this food. I put it on my head and go through the town selling it till school reopened. उनकी पत्नी खाना बनाती और उसे पैक कर मेरे सिर में रख देते और कहते कि जाकर तुम इसे शहर में बेच कर आओ। स्कूल खुलने तक मेरा काम यही था। And my classmates would be laughing at me. मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त इसे देखकर हंसते थे। They would see me and they would laugh at me. जब कभी भी मुझे देखते वो इस प्रकार करते। I used to at times sit down somewhere. मैं कभी कभी अकेला जाकर बैठता था। I would cry. और मैं रोता था, cry. रोता था। No mother, no father, no. माता नहीं, पिता नहीं। Couldn't even know where my mother was. इस समय मेरी माँ कहाँ है मुझे पता नहीं। The fourth year, चौथे साल में, कॉलेज पढ़ने के चौथे साल में, I'm sleeping on the floor. हॉस्टल में मिट्टी पर लेटा हूँ। Nobody in the dormitory.
हॉस्टल में उस समय कोई नहीं था। They have all gone out to study. सभी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। I had a dream. मैंने एक सपन देखा। Just a dream. सपन देखा। Just a dream. सपन देखा। And in the dream I saw two men holding two spears about to drive it through my left leg. स्वप्न में दो लोगों को देखा जो कि भाला लेकर मेरे पास आए और मेरे पैर पर प्रहार किया। I woke up from the dream. मैं नींद से जाग गया। And I was bleeding physically. तब मैंने देखा मेरे पैर से लहू बहने लगी। There are two worlds, the spiritual world and the natural world. दो प्रकार की दुनिया है, एक वास्तविक दुनिया और दूसरा आत्मिक दुनिया। What happens in the natural world is a result of what is happening in the spiritual world. जो कुछ भी वास्तविक दुनिया में घटती है वो आत्मिक दुनिया की निष्कर्ष है। But Jesus is Lord over both. मगर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक दुनिया और वास्तविक दुनिया दोनों का प्रभु है। हम ताली बजाते हुए इसकी स्तुति करें, हालेलुया। I woke up and I was bleeding. मैं नींद से उठ गया और देख रहा हूँ कि मेरे पैर से लहू बह रहे हैं। I still have the scar up to today. वो निशान अब तक मेरे पैर में है, आप लोग देख सकते हैं। Just a dream. ये तो एक सपना था, लेकिन आप देखिए। Oh, there is a devil. हाँ, शैतान है। Oh, yes, there is a devil. जी हाँ, शैतान है। Oh, yes, there's a wicked devil. जी हाँ, वहाँ पर एक दुष्ट शैतान है। Who is seeking to destroy your life. जो आपके जीवन को बर्बाद कर देना चाहता है। But there is a Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। Change your life. जो आपके जीवन को बदल देगा। I was paralyzed. मुझे लकवा की बीमारी हो गई। My waist and all parts of my body begins to go into paralysis. I just paralyzed completely. मेरे शरीर में इतना भयानक रोग हो गया कि मेरे सारे शरीर को लकवा मार गया और बिल्कुल मेरा उम्मीद टूट गया। Couldn't walk for 6 months. पूरा 6 महीना मैं चल फिर नहीं सका। The doctors told me. डॉक्टर ने मुझसे कहा, Never walk again. आप कभी जीवन में चल फिर नहीं पाएंगे। Paralyzed and that is it. आपको लकवा मार गया और आपका जिंदगी भी बर्बाद हो गया। School had vacated. स्कूल के छुट्टी के दिन थे। I'm in the head teacher's house. मैं प्रधानाध्यापक के घर में था। Sitting on the floor. मैं नीचे मिट्टी पर बैठा हुआ था, बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा था। I didn't have any wheelchair. मेरे लिए कोई पहिया वाली कुर्सी नहीं थी। I used to drag myself like that on the floor. मेरे बीमारी के कारण मैं इस प्रकार से मिट्टी पर चला करता था। A poor man. बिल्कुल गरीब व्यक्ति। Who is paralyzed. जिसे लकवा मार दिया है। Nobody cares. कोई उसकी परवाह नहीं करता। One day, और एक दिन I'm on the floor, जब नीचे बैठा था, 12th of January, it was my birthday, जनवरी 12 तारीख की बात जो कि मेरा जन्मदिन है, I'm in the garage of the head teacher, मैं अपने प्रधान अध्यापक के गैरेज में था, sitting in the floor, नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। I saw a light shining in my room. मैंने एक प्रकाश को अपने कमरे में आते हुए देखा। I turned to see the light. मैंने प्रकाश को देखने के लिए मुड़ा। Nearly blinded my eyes. उस प्रकाश से मेरी आंखें धुंधली हो गई। I turned in fear. मैं उसे देखकर डर गया। I'm shaking on the floor. और जमीन पर कांपने लगा। And a voice spoke to me in my language. और एक आवाज आई जो कि मेरी भाषा में ही थी। It's a Bernard, rise up. बेनहार उठ जा। I'm sending you to the world. मैं तुम्हें पूरे संसार पर भेजूंगा। To show them my son is the way, the truth and the life. To show the world that I am God and there is none like me. तुम लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीही मार्ग सत्य और जीवन है और वो मेरा एकलौता पुत्र है, उस पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। The power in that voice. उस आवाज में एक सामर्थ्य थी। They lifted me from the ground. और उसने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। I started walking. और मैं चलना फिरना शुरू किया। I started walking. मैं चलने लगा। The head teacher's house is close to the girls dormitory. प्रधान अध्यापक का घर जहाँ मैं रहता था वो गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल करीब में ही था। School had vacated, but the last year students were on campus preparing for their final exam. स्कूल तो छुट्टी हो गई थी, लास्ट ईयर की लड़कियाँ जो थी परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल में ही रह गई थी। And the girls were on the veranda or the porch. और सारे लड़कियाँ बरामदा के पोल्स में खड़ी थी। They saw me coming out of the head teacher's house walking. उन्होंने देखा कि मैं शिक्षक के घर से गेट खोलकर चलकर बाहर आ रहा हूँ। They knew I couldn't walk. वे जानते थे कि मैं चल नहीं सकता। They knew I would never walk again. वे जानते थे कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। They saw me walking. उन्होंने मुझे चलते हुए देखा। They run down. वे दौड़ कर नीचे आई। और पूछा कि अरे ये क्या हुआ? I opened my mouth to explain. मैंने मुंह खोला और मैं प्रार्थना करने लगा। God is speaking in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। I started speaking in heavenly language. मैं स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने लगा। आइए हम ताली बजाकर उसकी स्तुति करें। This girl thought I was crazy. अन्य भाषा की प्रार्थना को सुनकर लड़कियों ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ।
So they asked for a school bus and took me to the hospital. उन्होंने जाकर स्कूल की बस को मंगवाई और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए. And the hospital is a 56-year-old woman, born again, spirit filled, called Mother Alice. उस हॉस्पिटल में 56 साल की एक महिला थी जो उद्धार पाकर सही रीति से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और उनका नाम मदर एलिस थी. And God has promised this woman, you will have a child before you die. And the woman is 56 years. No child. 56 साल की इस मदर एलिस से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि तू मरने से पहले एक औलाद का दान पाएगी. When they brought me, I was speaking in tongues. और जब उन्होंने मुझे लेकर आए तब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था. I didn't see it. मैंने कुछ नहीं देखा था. I went blank. वहाँ पर क्या हो रही थी मुझे कुछ पता नहीं. But I was speaking in tongues. लेकिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था. She heard me. मदर अली सुन रही थी. She looked at me. मेरी ओर देखा. She said, this boy, और बोली यह लड़का is not possessed. लड़का को कोई दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ा है. Boy, ये लड़का not crazy. पागल नहीं है. He is filled with the whole ये पवित्र आत्मा से भर गया है. And God is calling him और परमेश्वर इसे पुकार रहा है to the nations. बहुत सारे देशों में. I got revived in Mother Alice's house. मदर एलिस के घर में मुझे आत्मिक उन्नति मिली. When I got revived, I looked around, I said, "Why am I?" जब मैंने आंख खोलकर देखा और मैंने ये देखा कि मैं कहां पर हूँ. She said, "Welcome, my son." मदर एलिस ने कहा बेटा तुम्हारा स्वागत है. That was the first time I heard that word. और ये पहली बार किसी ने मुझे बेटा करके बुलाया. She was the first human being who taught me what love was. वही एक ऐसी इंसान थी जिसने मुझे पहली बार प्रेम किया. I never knew what love was. प्रेम क्या है मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था. She would hug me. मुझे गले लगाई. She would say, "Well done." बोली बहुत अच्छे बेटे. She said, "I'm proud of you." मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है. She would teach me the scriptures. वो मुझे वचनों को सिखाने लगी. She would come at night when I'm sleeping and lay his hand, her hands on me. और प्रति रात को वो आएगी अपना हाथ मुझ पर रखेगी और अन्य भाषा में प्रार्थना करेगी और मेरे बारे में भविष्यवाणी करेगी. She bought me a little notebook. एक छोटा नोटबुक खरीद कर दी. Write everything God tells. परमेश्वर जो कुछ भी कहता है तुम लिख के रखो. One day she prophesied to me. एक दिन भविष्यवाणी की. She said, God will take you to London, England. परमेश्वर आपको इंग्लैंड लेकर जाएगा. God will use you mightily. वहाँ परमेश्वर आपको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करेगा. And you will go to 44 nations. तू 44 देशों में जाएगा. From England. इंग्लैंड से लेकर. And then from 44 nations. 44 देशों में तू जाएगा. God will take you to America. परमेश्वर आपको अमेरिका ले जाएगा. And shoot you like an arrow. Of deliverance across the nations of the earth. और पूरे दुनिया भर में परमेश्वर आपको एक तीर की नाई इस्तेमाल करेगा. आमीन. And nations will come to hear of the glorious news of my son. और सारे संसार के लोग इस बात को जान पाएंगे कि मेरा एकलौता बेटा ही प्रभु है. He said, "Presidents of nations will sit down and listen to my voice and listen to my word and counsel." Through you. देश देश के मंत्री लोग आएंगे और बैठकर वचन से सुनेंगे और परमेश्वर के इच्छा के बारे में तुझसे जानकारी हासिल करेंगे. I wrote everything down. मैंने सारी बातें उस नोटबुक में लिख ली. 3-4 साल के बाद मदर एलिस इस दुनिया से चली गई. She called me one morning. She said, "Son, it's time for me to go." एक सुबह मुझे पुकार कर कहने लगी बेटा मुझे इस दुनिया से जाने का समय आ गया. I remember the pain in my heart. मुझे याद है मेरे हृदय की वेदना में आकर मैं रोने लगा. I said, "God, why?" मैंने कहा परमेश्वर क्यों? Why are you doing this? तू क्यों इस प्रकार से मेरे जीवन में कर रहा है? That son, I have to go. बेटा मुझे जाना है. But God will take care. लेकिन परमेश्वर तुम्हारी देखभाल करेगा. God will meet your needs. वही जरूरतों को पूरा करेगा. He will use you. वही तुम्हें प्रयोग करेगा. I look at her, I remember. I said, "Mama, what do I do to thank you?" मुझे याद है मैंने बड़ी वेदना से कहा कि माँ ऐसा मैं क्या करूँ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए. वो मुस्कुराई. She said, "A day is coming." एक दिन आ रहा है. When thousands and millions of souls. जब हजारों लाखों और करोड़ों आत्मा प्रभु को अंगीकार करके I'm going to respond to the good news of Jesus. सुसमाचार की ओर आकर्षित होंगे. They're going to be delivered. और छुटकारा पाएंगे. From sickness and devils. अपने अपने बीमारियों से और शैतान के बंधन से. The Holy Ghost will fall upon people. पवित्र आत्मा आएगी और उन्हें छुड़ाएगी. And I will be standing at the right hand of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर खड़ी होकर कहूंगी. And I will touch Jesus on the shoulder. और यीशु के कंधे में हाथ रखकर कहूंगी. And I'll say, "Jesus." कहूंगी यीशु. That is my boy. वो रहा मेरा लड़का. Those were her last words. ये सब उनके अंतिम शब्द थे. And she died in my hand. और मेरे हाथों में गिरकर अंतिम सांस छोड़ दी. My world was shattered. मेरी दुनिया फिर से उजड़ गई. I was so
मैं बहुत निराश हो गया, लेकिन मैंने कुछ मसीही भाई और बहनों से मिला, मैं उन परिवार के साथ रहने लगा, और समझ पाया कि मसीही लोग कितने कंजूस होते हैं, कैसे इतना कंजूस हो सकते हैं। बचे हुए खाना को कभी कभी फेंक देते हैं मगर वो किसी को नहीं देते, पर मैं निराश नहीं हुआ, मैं हमेशा उनके घर की सफाई करते रहा। और एक दिन दोपहर के समय में सड़क में प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति को देखा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, यह आदमी कोकेन नाम का नशीली पदार्थ लेकर जा रहा है, अगर वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया तो 3 दिन के अंदर अंदर यादें पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा और जेल में इनकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने उसे पुकारा और कहा कि पवित्र आत्मा कहता है कि तुम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो, नहीं तो तू जेल में जाकर मर जाएगा। उस आदमी ने मेरे गरीबान को पकड़ लिया और मुझे मारना चाहता था। मैंने कहा, नहीं, ये सच है, परमेश्वर जिसने आपको बनाया है कहता है कि आपको बदलना चाहिए, अपना जीवन उसे दे दो। वो आदमी चौंक गया। उसी समय उसी सड़क में उसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। मैंने उस पर अपना हाथ रखा और वो नीचे गिर गया। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ रहते हैं? मैंने अपना घर बताया, मगर मैंने कहा कि आप मेरे घर ना आए, क्योंकि मेरे मालिक ने कहा है कि किसी को घर में लेकर मत आना। मेरे मालिक एक मसीही थे मगर किसी को उस घर में आने नहीं देता था। हाँ, ऐसे मसीही लोग भी हैं, परमेश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, वो फिर भी कंजूस है। मसीही लोग, आपका घर सिर्फ आपका ही नहीं है। आपका घर वो जगह है जिस जगह में परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा और उनके जीवन को बदलेगा। आपका कार सिर्फ आपका नहीं, हर रविवार को किसी ना किसी को लेकर उस कार में आए, इस प्रकार की मदद करें। सिर्फ आप अकेले ही उस कार को ना चलाएं, आप अपने गाड़ी में अकेले सेवा में ना आए, किसी ना किसी को लेकर आए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको दिया है, जो पैसा आपके पास है वो आपका नहीं। जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का हो जाता है। वो आदमी का जीवन बदल गया, एक अच्छा बिजनेस शुरू किया, जूतों का बिजनेस। बिजनेस का पहला जूते उसने मुझे दिए। एक दिन यह आदमी एक अच्छा बिजनेस के लिए इंग्लैंड जा रहे थे, विमान पर बैठे हुए हैं। उसका एक पुराना दोस्त जो नशीला पदार्थ लिया करते थे, वो दोनों इकट्ठे ही लिया करते थे, इसीलिए उसके दोस्त ने उसे पूछा, क्या तुम ड्रग लेकर आए हो? इस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने उधार पाया, अपना जीवन यीशु को दे दिया, मेरी पुरानी जिंदगी बीत गई और अब मैं नया हूँ और अब मैं पाप से आजाद हूँ। उसने कहा, कैसे? एक छोटा लड़का यीशु मसीह के बारे में बताया। उसके दोस्त ने कहा, मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूँ। एक दिन मैं घर में घास काट रहा था, मैंने दो लोगों को आते हुए देखा, एक गंभीर दिख रहा था और दूसरा मुस्कुरा रहा था। मैं समझ पाया कि जो मुस्कुरा रहा था वो व्यक्ति उधार पाया हुआ है। दूसरा व्यक्ति आकर मुझे उंगली दिखाया, आपने इसको ऐसा क्या कहा? मैं डर गया। मैंने कहा, आइए हम प्रार्थना करें। हमने आंखें बंद की और एक दूसरे के हाथ पकड़े। मैं जीसस बोलना चाहा। मैंने शुरू किया जी। मैंने जीसस बोलना चाहा, लेकिन जी बोलते ही दोनों नीचे गिर गए, सस तक बोला ही नहीं। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, वे उठ नहीं रहे थे। मेरे मालिक के आने का समय हो रहा था। मेरे मालिक ने कहा था कि किसी को घर में लेकर मत आना। मैंने कहा, उठो।
इस तरह से वो चल नहीं पा रहे थे। मैंने दूसरे आदमी से कहा, इसे उठाने में मेरी मदद कर। उसने कहा, नहीं मुझे डर लग रहा है। 3 घंटे 13 मिनट जी हाँ बिल्कुल 3 घंटे 13 मिनट वो उठ पाया, मेरी ओर देखा। उसने कहा, जब मैं जमीन पर गिर पड़ा था, मुझे एक आवाज सुनाई दिया और उसने कहा कि मैं तुमको इंग्लैंड लेकर जाऊं। This man यह आदमी went to London, England, Finsbury Park, Center for International Christian Ministries. इंग्लैंड जाने के साथ साथ वहां के नेशनल क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज में मेरे लिए बातें की। Paid my 3 year fees. वहां पर उन्होंने मेरे 3 साल के सारे फीस चुकाए। Came back the same week. उसी सप्ताह मेरे पास आए, held my hand, मेरे हाथ पकड़ा, to the British embassy. मुझे ब्रिटिश एम्बेसी लेकर गए, got me a visa. एक वीजा लेकर दी, gave me 2,000 pounds. और 2,000 pounds दिए, wave goodbye. हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। Up to today, I don't know where he is. आज तक मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। I've searched for him in almost 89 nations. अब तक मैंने उन्हें 89 देश में ढूंढा मगर वो व्यक्ति नहीं मिले। Thank him for what he's done. उसने जो कुछ भी किया है उसके धन्यवाद देने के लिए I can't find him. मैं उसे नहीं मिला। My pastor friend says that it could be an angel. सेवकाई करने वाले मेरे दोस्त कहते हैं कि शायद वो किसी का दूत ही होगा। No. मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। The school is a day school. और वो जो स्कूल था वो दिन में चलने वाली स्कूल थी। I need a family to live with and go to school. मुझे एक परिवार चाहिए था जहां मैं रहता और स्कूल जाता। Christian brothers and sisters gave me addresses of people to contact, so I will live with them and go to school. कुछ मसीही भाई और बहनें मुझे कुछ एड्रेस दिए जिनके साथ मैं रहता और दिन में स्कूल जाता। All of them, none of them returned my call. मैंने उन्हें फोन के द्वारा संपर्क करने की कोशिश की मगर किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया। मनुष्य आपसे मुकर जाएंगे, मनुष्य आपको निराश करेंगे। मनुष्य के ऊपर से अपना दृष्टि हटाइए, मनुष्य के ऊपर से अपना आश्रय हटाइए, केवल अपना आश्रय प्रभु यीशु मसीह पर ही रखे। आमेन हालेलुया। Man will fail you. मनुष्य आपसे मुकर जाएंगे। Jesus will never, ever, never, ever, never, ever fail you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी या कभी, अभी या कभी, अभी या कभी, अभी या कभी, कभी नहीं छोड़ेंगे। The D-Day is up. I'm at Heathrow Airport. 3 दिन के बाद मैं हीथ्रो एयरपोर्ट में पहुंचा। I don't know where to go. इसके बाद कहां जाना मुझे मालूम नहीं। School are not open yet. और वो जो दिन में चलने वाली स्कूल थी वो अभी तक खुली नहीं थी। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, दाईं ओर मुड़ जाओ। उस महिला को वहां पर देखो, वह महिला एक ब्रिटिश नागरिक की थी। पवित्र आत्मा ने कहा कि उसे एड्स की बीमारी है, उनके लिए प्रार्थना कर और उसे छुटकारा दे। Those days I was very raw. I was not really. I didn't have good manners. I was a bush boy. उन दिनों में मुझे लोगों से किस प्रकार से बात करना है मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं एक छोटा गांव का लड़का था। God speaks, I will say it, bam, like that. परमेश्वर जो कुछ भी कहता मैं उसे ही मानता था। Now when God speaks to me, I ask Him, God, how do I present it? परमेश्वर जब भी मुझे बात करता तो मैं उससे पूछता था कि परमेश्वर इसे मैं किस प्रकार से लोगों तक प्रस्तुत करूं? So, इसलिए I said, hey, Larry, hey, महिला, the Holy Ghost said you are right. पवित्र आत्मा कहता है कि आपको एड्स की बीमारी है, come here, इधर आ, you'll be delivered. तुम्हें छुटकारा मिलेगी। And the lady started running away. पर यह महिला भागने लगी। And I started following her. मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। She called the police. महिला ने पुलिस को बुलाया। I said, oh God. मैंने कहा, hey, प्रभु ये क्या बात है? The police warned me. पुलिस ने मुझे चिताया, don't bother the lady. महिला के पीछे मत दौड़। I said, God, मैंने कहा, हे प्रभु मेरा कोई इसमें गलत नहीं है। पवित्र आत्मा ने कहा, मत घबरा, उसने तुम्हारी आवाज को सुना है और वो जानती है कि ये सच है, वह आएगी। मैं उधर ही खड़ा हो गया। मैंने देखा कि महिला आ रही है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है, मुझे एड्स है। And I said, in Jesus' name, H, come out! अगर ये आज के दिनों में होती तो मैं उस महिला को किसी कोने में लेकर जाता, लेकिन उन दिनों में मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने अपना सांवला हाथ उस गोरी चमड़ी पर रखा और मैंने प्रार्थना किया और कहा कि एड्स यीशु के नाम से बाहर आ। The lady fell on the floor. और वो नीचे गिर गई। And the police came around. वहाँ पर पुलिस आ गई। I said, God, we in trouble. ये परमेश्वर ये क्या है, मैं तो फंस गया। And they shook the lady and asked the lady, will you press charges?
उन्होंने उस महिला को हिलाकर उठाया और कहा कि क्या तुम इस लड़के के बारे में केस करना चाहते हो? No. उसने कहा नहीं, यह आपस का मामला है। One week after, एक सप्ताह के बाद this precious lady, यह महिला does every medical test, अपना मेडिकल टेस्ट कराती है। every iota and scintilla of HIV virus in the system completely disappears. सारे टेस्ट कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके शरीर से HIV AIDS के विषाणु पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। आमीन, हालेलुया। And now, अभी this lady brought me to a house, मुझे अपना घर लेकर गई, paid money for my books, सारे किताबों के पैसे दिए, started sharing her testimony from company to company, schools, churches, अलग अलग जगह में जाकर कंपनी स्कूल चर्च में जाकर अपना गवाही देने लगी। The doctor that took care of her was Dr. Deroid from London. He was the vice president of the Atheist Association. Atheists don't believe in God. There's no God. He's now born again, spirit-filled now, and he's now preaching the gospel. उस महिला को जो देख रहा था, उस डॉक्टर का नाम टेरॉइड था, और टेरॉइड नास्तिक एसोसिएशन का एक वाइस प्रेसिडेंट था। नास्तिक लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परंतु यह आदमी अभी बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा सेवक है। So now I'm at the Bible school. अब मैं बाइबल स्कूल में हूँ। Monday to Friday. सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, and on Friday, और शुक्रवार को I will have an invitation. मुझे निमंत्रण मिलेगा स्विट्जरलैंड में प्रचार करने के लिए, फिनलैंड में भी आने के लिए। Then, so I will go on Friday night and then come back Monday morning to school. Then the following week I'll go to Switzerland, the next week to Germany, the next week to Norway. That before I realize 44 nations with the good news of Jesus Christ. प्रति शुक्रवार के शाम को मैं बाइबल स्कूल से बाहर जाता और सोमवार के सुबह वापस आता। ना जानते हुए भी परमेश्वर ने मुझे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, ऐसे 44 देशों में परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार का प्रचार करने का मौका दिया। हालेलुया। वन डे, एक दिन बाइबल स्कूल टीचर, बाइबल स्कूल का टीचर, प्रधान अध्यापक, बाइबल स्कूल देखभाल करने वाला मुझे बुलाया, कहा बेनार्ड, हम तुम्हें ग्रेजुएट करना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो ग्रेजुएशन का समय नहीं है। कहा नहीं नहीं बाहर से आए हुए शिक्षक और यहाँ के शिक्षक सभी ये कहते हैं, जो यहाँ आते हैं परमेश्वर आपको प्रयोग करता है और वे आपसे सीख कर जाते हैं। उनके जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करता है। तुम्हारे साथ पढ़ने वाले तुमसे सीखते हैं। इसलिए सारे शिक्षक लोग हमें लिखते हैं, बोलते हैं, हम क्यों बेनार्ड का समय बर्बाद कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन देना चाहते हैं। Don't tell any of your mates. साथ पढ़ने वाले किसी को मत बोलना। So they call me in the office. उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, they put the gown on me. ग्रेजुएशन का वस्त्र पहनाए and the hat. और ग्रेजुएशन का एक टोपी लगाए। Dean touched me. संचालक ने मुझ पर हाथ रखा, I fell to the ground. संचालक नीचे गिर गया। My assistant headmaster also touched my head to pray for me. प्रधान अध्यापक का सहायक भी आशीष देने के लिए हाथ रखा, he also fell to the ground. वहाँ भी नीचे गिर गया। I said, oh God, hey प्रभु, who is going to ordain me? Who is going to ordain? कौन मुझे अभिषेक करेगा प्रभु? जो कोई भी मुझे छूता है वो तो नीचे गिर जाता है प्रभु। I came out of school. मैं बाइबल स्कूल से बाहर आया। God took me to America. परमेश्वर मुझे अमेरिका लेकर गया। Today, आज तक 89 nations. 89 देशों में it has God sent me. परमेश्वर ने मुझे लेकर गया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। जी हाँ, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन। 8 देशों के अधिपति, 8 प्रेसिडेंट्स ऑफ 8 डिफरेंट नेशंस। जी हाँ, 8 अलग अलग देश के अधिपति लोग have called me on phone, मुझे फोन कर बुलाए, invited me personally, व्यक्तिगत रीति से स्वागत किया, to hear the voice, the will of God for the nation. कि सुने कि देश के लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है। Thing God has said had come to pass. और परमेश्वर ने उन्हें जो कुछ भी कहा वो सब कुछ पूरा हुआ। Today, to the glory of God, आज परमेश्वर की महिमा के लिए I can say, मैं कह सकता हूँ, almost 10 of my classmates, मेरे साथ पढ़ा हुआ 10 लोग, I paid their school fees at the university. उनका यूनिवर्सिटी का सारे फीस मैंने चुकाया। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। They call me father. आज वो मुझे पापा पुकारते हैं। My own classmates call me मेरे father. साथ पढ़ने वाले थे, आज मुझे वो पापा पुकारते हैं। My mother never been to school.
मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उसने उपवास और प्रार्थना करना शुरू किया, वचन के अनुसार चलने लगी, मैं उन्हें सिखाने लगा, अपना हाथ उनके ऊपर रखा और दुष्टात्माओं को निकाला, फिर वह पवित्र आत्मा से भर गई, माँ घर में ही रहना शुरू किया, उसने और पढ़ना शुरू किया, in business management. प्रभु का धन्यवाद, मेरी माँ आज बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट लिया हुआ एक औरत है। हालेलुया, हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। She is building a school in Ghana. मेरी माँ गाना राज्य में एक स्कूल बनाया that can have 7,000 children. जिसमें 7,000 बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। क्या इस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? And none of the children will pay fees. और 7,000 बच्चों में किसी से भी फीस नहीं लिया जा रहा है। Scholarships. सभी को स्कॉलरशिप। To the glory of God. परमेश्वर की महिमा हो। Every year. प्रत्येक वर्ष 6,000 children in different African countries. अफ्रीका के अलग अलग देशों के 6,000 बच्चों के लिए हर साल have your fees paid. उनका स्कूल फीस दिया करता हूँ। Clothes on your body. पहनने के लिए कपड़े, food. बहुत अच्छा खाना, from my pocket. ये सारे खर्च मेरे जेब से होता है। 6,000 children. 6,000 बच्चों का खाना पीना कपड़ा स्कूल का सारे फीस देने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो। Before the end of this year, इस वर्ष समाप्त होने से पहले we want to increase it to 10,000. हम इसे 6,000 बच्चों से लेके आगे बढ़ाकर 10,000 बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। Saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोगों, I give as if I'm crazy. मैं पागलों की नाई देता हूँ। I give dangerously. मैं अधिक से अधिक देता हूँ। Anything I can find, I will throw it into the work of God. जो कुछ भी मुझे मिलता है उसमें परमेश्वर के काम के लिए बहा देता हूँ। I have discovered the secret. मैंने एक रहस्य को सीखा है। That if God can trust you with something and knows that you will give it back, परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखकर कुछ देता है और आप परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ ना दे तो there is nothing God would not give you. परमेश्वर आपको आगे से कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं। You will give it back. आप देंगे तो आपको मिल जाएगा। That is why. इसलिए those that are around me, जो मेरे आसपास होते हैं, I don't tolerate them not to give. देने वाले नहीं हैं, तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। Drive you away from me if I realize you are a stingy person. अगर मुझे पता चला कि वह व्यक्ति कंजूस है, तो मैं उसे दूर भगाऊंगा। Because. क्योंकि stinginess. कंजूसी ये एक शैतान है, ये दुष्टात्मा है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में घुस सकता है। सुनिए, मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं, मैंने बहुत रोया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी का कंजूसी का आत्मा मुझ में ना घुसे। यदि आप कंजूस लोगों के साथ चलते फिरते हैं तो आप भी कंजूस बन जाएंगे। Never come out of poverty. कंजूस लोग अपने गरीबीपन से बाहर कभी नहीं आएंगे। Only one way out of poverty, that is to give your all to Jesus. हमारे अपने गरीबीपन से बाहर आने के लिए एक ही एक रास्ता है। आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर को दे दो। सब कुछ मतलब सब कुछ, 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 सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। Your money. आपका पैसा। Can God trust you? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है? Recently, कुछ दिन पहले I travel to 14 countries every year. हर साल लगभग मैं 14 देशों में जाता हूँ। Recently, I sat down and calculated how much money I give out every year. एक साल में प्रभु के लिए कितना देता हूँ मैंने हिसाब किया। I don't see the money. मैं पैसा की ओर नहीं देखता हूँ। Because it just comes into my account and boom, it's gone. जैसे ही पैसे अकाउंट में आता है और ये उड़ जाता है। I realized, मैं समझ पाया, almost $3 million every year. एक साल में लगभग $30 लाख लोगों तक पहुँचता है। $30 लाख मतलब कितना करोड़ रुपया बन जाती है, आपको मालूम? Amen, hallelujah. ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखो, यह प्रभु का दास एक साल में लगभग 12 करोड़ रुपया प्रभु की सेवकाई के लिए खर्च करता है। How can a child
of a prostitute. देखो कैसे एक वेश्या का संतान इतना अधिक walk in abundance. बहुतायत से लोगों को दे सकता है. How can it happen? ये कैसे हो सकता है? How? कैसे? Giving. देना. Giving. देना. Giving. देना. Giving. दे दो. Giving. दे दो. Give. दे दो. I said give. मैं कहता हूँ दो. Give. दे दो. Come out of the spirit. उस आत्मा से बाहर आओ. Break out of the spirit of stinginess. कंजूसी के उस आत्मा से बाहर आओ. And give. दे दो. 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 And the God of the heavens and the earth. स्वर्ग का प्रभु और पृथ्वी का प्रभु who controls the silver and the gold, जो सोना और चांदी के ऊपर भी नियंत्रण करता है who control the wealth of the world, जो दुनिया के सारे धन दौलत के ऊपर नियंत्रण रखता है who control customers and businesses, जो कि ग्राहक के ऊपर और बिजनेस के ऊपर who control the seasons, जो सारे ऋतुओं के ऊपर भी नियंत्रण रखता है who bring it back to you, आपने दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आएगा greater. अधिकतर much more बहुत सारे than you gave. जो आपने प्रभु के लिए दिया है उससे भी अधिक you can ask my friend, आप मेरे दोस्त से पूछ सकते हैं पास्टर जोसेफ इधर आइए have you realized that everywhere we've been in America, आपको याद है अमेरिका में हम जहां कहीं भी गए I don't just preach about Jesus, I don't just preach about the Holy Ghost. मैंने सिर्फ यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार तो नहीं किया We don't just see miracles, और केवल अद्भुत काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया I also talk about money. मैंने धन के बारे में भी बात किया Is that true? Yes, it is true. क्या ये सच है You know why? आपको मालूम है क्यों Because when you, a child of God, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे poor, जो बिल्कुल गरीब हैं and don't have enough, जिनके पास काफी नहीं है to help people, जो कि लोगों की सहायता करें many people will suffer, इस कारण बहुत सारे लोग कष्ट उठा रहे हैं many people will suffer, बहुत सारे लोग दुख तकलीफ में हैं you are child of God, आप परमेश्वर के बच्चे हैं you have the heart of God, आपके पास परमेश्वर का हृदय है you have compassion, आपके पास तरस है to feel the people, कि लोगों को महसूस करें but those out there don't care, लेकिन लोग दूसरों के बारे में परवाह नहीं करते they don't care. कुछ परवाह नहीं करते But they control the wealth. मगर वो दुनिया को नियंत्रण करते हैं But God wants to take out of the hands of the wicked. He wants to take it out of the hands of the wicked and give that money to his children. परमेश्वर उन दुष्टों के हाथ से सब कुछ जो उनके पास है छीन करके अपने बच्चों को देना चाहता है ताकि मसीही लोग एक दूसरे को मदद कर सके आमेन हालेलुया The only hope in the world. दुनिया का एक ही आशा Jesus. वो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह How can they hear about Jesus? इस मसीही के बारे में लोग कैसे सुनेंगे Until somebody preach it. जब तक तो कोई प्रचार ना करे How can you have the preachers? लेकिन प्रचार करने वाले कब होंगे If they are not sent. यदि प्रचारक लोग भेजे ना जाएं How can they be sent? और वो कैसे भेजे जाएंगे If they don't even have money to pay for their airfare. खर्चा करने के लिए हाथ में पैसा नहीं तो वो कैसे भेजे जा सकते हैं No transportation. आने जाने का हाथ में किराया भी नहीं होता है They have nowhere to sleep. कहां जाकर सोना है ये भी पता नहीं This meeting या मीटिंग can be televised live on TV. आप लोग टीवी के द्वारा देख सकते हैं Across the whole of India. पूरे भारतवर्ष में The whole of Asia. पूरे एशिया में The whole of the world. सारे संसार में It can. हो सकता है It can be done. हाँ ये हो सकता है I've met the owner of CNN. एक दिन मैंने CNN TV चैनल के मालिक को मिला I asked him. उनसे पूछा yes, why don't you Have the gospel preach on your air. आप अपने टीवी चैनल CNN पर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं दिखाते हैं? He said the churches and the pastors don't have the money to pay for the airtime. इस मालिक ने मुझसे कहा कि कलीसिया के पास पास्टर्स के पास इतनी पैसा नहीं कि एयरटाइम के लिए हमें पैसा दें। I said, my God. मैंने कहा, हे प्रभु। The devil. सैतान। Is using TV. टेलीविजन को प्रयोग कर रहा है। To destroy people's lives. लोगों के जीवन को बर्बाद कर देने के लिए। Look at the foolish things on our TV screen. देखो हम टेलीविजन पर कितना बुरी और गंदा चीजों को देखते हैं। You know why? आपको मालूम क्यों? You know why? आप जानते हैं? You know why India is going down? क्यों? You know why the nations are suffering? भारत देश क्यों नीचे जा रहा है और क्यों देश कष्ट उठा रहा है? You know why Africa is so poor? आपको मालूम अफ्रीका देश क्यों इतना गरीबी में है? Our people are stingy. क्योंकि